देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की नगर सरकार अपने स्वच्छता संसाधनों में इजाफा करने जा रही है। यदि नगर निगम की कार्य योजना ने मूर्त रूप ले लिया तो आधुनिक सुविधा से साफ सफाई करने वाला इंदौर देश का दूसरा शहर बन जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर हैट्रिक लगा चुका है और चौका लगाने की तैयारी की जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण की छमाही रैंकिंग में इंदौर ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है और चौका लगाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। चौका लगाने के साथ ही निगम आयुक्त आशीष सिंह के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम शहर में मेन होल की सफाई में मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए रोबोट मेन होल सफाई मशीन शुरू करने की योजना बना रहा है। अभी तक सफाई कर्मियों को सफाई के लिए गंदी नालियों और नालों में उतरना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस रोबोट की मदद से हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का पता चल सकेगा और इन जहरीली गैसों से सफाई कर्मियों की सुरक्षा की जा सकेगी। नगर निगम की इस कार्य योजना के चलते अब नगर निगम के कार्यों में आधुनिक रोबोट सहयोग करेंगे। हैदराबाद में इस तरह की रोबोट मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। अब हैदराबाद के बाद इंदौर में भी रोबोट मेनहोल सफाई मशीन शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस मशीन की सहायता से सीवर की सफाई के लिए किसी मजदूर को सीवर के मेनहोल में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मशीनें सकरी सड़कों व छोटी छोटी गलियों में जाकर सीवर की सफाई कर सकेंगी। इस रोबोट से सीवर की सफाई के दौरान मेन होल में दम घुटने से होने वाली मजदूरों की मौत पर लगाम लगेगी, साथ ही नगर सरकार के स्वच्छता संसाधनों में भी इजाफा होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।